हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद चैनल पर वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमेशा की तरह। फ्रेंड्स, फिर से हम आज बात करने वाले हैं पावर इन्वर्टर के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि आपने पावर इन्वर्टर के ऊपर टॉप वीडियो नहीं बनाया, बहुत दिन से आप वीडियो नहीं बना रहे हो। तो फ्रेंड, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ पावर इन्वर्टर के बारे में एक स्पेशल। फ्रेंड, आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पावर इन्वर्टर के रिगार्डिंग, तो हम सबके आज आंसर करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात ही बताने वाला हूँ पावर इन्वर्टर के बारे में आज। फिर मैंने आप सबको बोला था कि जिसको जो जो भी डाउट है वो मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो फिर मेजोरिटी लोगों के क्वेश्चन आया है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड, हम सब लोग हमें कहते हैं कि क्या हम पावर इन्वर्टर को हमारे लिथियम बैटरी पर चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स आपको कि मेरे पास अभी फिलहाल दो इन्वर्टर है मेरे, जो मैं सेल भी करता हूँ और आप सबको पता भी है। फ्रेंड, एक है हमारा 200 वाट का इन्वर्टर और एक है हमारा 1000 वाट का इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबको क्लियर कर दूँ, फ्रेंड ये इन्वर्टर हमारा सब पे चलता है, चाहे आपके लेड एसिड बैटरी हो, AGM बैटरी हो, जेल हो, फ्लोट हो, फ्लडेड एसिड हो, या फिर लिथियम फॉस्फेट हो, लिथियम आयन हो, या फिर आपकी जो भी बैटरी मार्केट में भी अवेलेबल है, फ्रेंड वो सारी बैटरी पे ये वर्क करता है। सिर्फ वो बैटरी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। तो आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि क्या सही में हमारा इन्वर्टर लिथियम बैटरी पर काम करता है या नहीं करता है। हम दोनों बैटरी टेस्ट करेंगे, लिथियम आयन भी टेस्ट करेंगे और लिथियम आयन फॉस्फेट भी टेस्ट करेंगे, जिसे हम LiFePO4 भी कहते हैं। तो हम दोनों बैटरी टेस्ट करने वाले हैं, क्या सही में उस पर चलता है या फिर फेल होता है। तो आप सबके सामने आज एक्सप्लेन होगा। फ्रेंड, मैं आपको बता भी दूँ कि आप सबको उस पर टेंशन लेना नहीं है कि ये कोई बैटरी पर चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, क्या हम इन्वर्टर परचेस करेंगे तो हमारा इन्वर्टर वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इन्वर्टर को बस फिलहाल साइड में रखता हूँ और मैं आपको दो बैटरी दिखाता हूँ फिलहाल। ये देखिए गाइस, मेरे पास दो बैटरी रखी हुई है फ्रेंड। ये मेरे पास मेरी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी देखिए, कि जो कि 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की है, और फ्रेंड ये लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, ठीक है। और फ्रेंड, अगर आपको ये बैटरी परचेस करनी है तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। आपको अगर इन्वर्टर परचेस करना है या फिर बैटरी आपको जो भी परचेस करना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। फ्रेंड, ये मेरे पास मेरी 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, ठीक है। ये मैं इसको साइड में रखता हूँ। और फ्रेंड, मेरे पास मेरी एक और फ्रेंड, इस पर स्टिकर मत देखिए फ्रेंड, स्टिकर इसमें लिथियम फॉस्फेट था, पहले फेमेट्स में लिथियम फॉस्फेट बैटरी थी, और लेकिन फ्रेंड मैंने इसको बाद में चेंज करके इसके अंदर फिर अभी लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। फ्रेंड, मैं आपको इसे वोल्टेज टेस्ट करा दूंगा ताकि आपको लगे ना, आप सबको लगा होगा कि ये दूसरी बैटरी है। फ्रेंड, इसमें 1850 जो हमारे सेल फ्रेंड वो बैटरी, ठीक है। इसमें मैंने 1850 सेल से ये बैटरी बनाई है, जो कि फ्रेंड 12 वोल्ट और आपकी 15 एम्पीयर बैटरी, ठीक है। फ्रेंड, इसमें अभी आपकी ये 12 वोल्ट और 15 एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, 1800 बैटरी से बनी हुई, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी हमारे पास दो बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट और फ्रेंड लिथियम आयन, ठीक है। फ्रेंड, आप सबको इसका बेसिक तो पता ही होगा, और अगर फ्रेंड जिसको इसका बेसिक नहीं पता है कि लिथियम आयन क्या होती है, लिथियम आयन फॉस्फेट क्या होती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कभी एक बार, और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लिथियम आयरन फॉस्फेट और लिथियम आयन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फिर वीडियो में फिर से वापस आते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट हमारी बैटरी चलती है नहीं चलती है, ठीक है, हमारी इन्वर्टर चलता है नहीं चलता है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड हम टेस्ट करेंगे 200 वाट का इन्वर्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसके बाद बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करूँ ताकि आपको लगे ना कि ये कोई लेड एसिड बैटरी है फिर कोई, क्योंकि फ्रेंड इसका जो बॉक्स है फ्रेंड वो हमारी 12 एम्पीयर की जो बैटरी आती है लेड एसिड की, उसका दिख रहा है फ्रेंड ये बॉक्स ऐसे ही होता है, बस फर्क इसके अंदर हमने लिथियम आयन फॉस्फेट चले, ठीक है। मैं आपको वोल्टेज दिखाया था, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लिथियम आयन फॉस्फेट है, ठीक है। फ्रेंड, मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसके वोल्टेज मेजर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी टाइप की बैटरी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर के प्रोब है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड, इसका वोल्टेज है 13.35। मैं आपको एक बार मल्टीमीटर के पास ला कर भी बताता हूँ फ्रेंड, मैं आपको एक बार कैमरा के, ये देखिए फ्रेंड 13.1, डीसी पे सेट क्या है 13.35 फ्रेंड इसके वोल्टेज है। मतलब फ्रेंड ये प्रूव होता है कि लेड एसिड बैटरी नहीं, क्योंकि पता है फ्रेंड आपको लेड एसिड बैटरी इतने देर तक चार्ज होल्ड नहीं कर सकती। फ्रेंड, ये आपकी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, ठीक है। मल्टीमीटर साइड में रखता हूँ। फ्रेंड, हमें बैटरी कनेक्ट करने के लिए इजी हो फ्रेंड, इसलिए मैंने मेरे बैटरी के ऊपर मतलब हमारा एक्सेस स्टे कनेक्टर होता है फ्रेंड, मैंने वो कनेक्ट कर दिया है, और ताकि फ्रेंड हमें हमें कनेक्ट करने के लिए इजीली हो। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरा एक्सेस स्टे कनेक्टर है, और फ्रेंड यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके लग्स है, ठीक है। तो फ्रेंड जितना जिससे हमारा टाइम बच सके, इसलिए मैंने ऐसा किया है। फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फ्रेंड आप हम इसका अपने फ्रेंड आपको केबल्स प्रोवाइड करते हैं, इसको हम एलिगेटर क्लिप कहते हैं फ्रेंड, इसी पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस फ्रेंड, आपको दिखाने के लिए मैं इस पर ही कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इन्वर्टर कनेक्शन करके बताता हूँ। फ्रेंड, मैंने हर बार बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। फ्रेंड, आपको पॉजिटिव को खोलना है, फ्रेंड आपको नेगेटिव को खोलना है। फ्रेंड, इसको कोई आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए, आप हाथ से ही ओपन कर सकते हो। बस फ्रेंड, इसको खोलना है आपको, और फ्रेंड आपको पॉजिटिव है पॉजिटिव कनेक्ट करना है और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट करना है, डैट सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड, लेकिन आपको कनेक्शन सिक्योर करने फ्रेंड, ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ना हो और हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क कर सके। तो देखिए, मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर। फ्रेंड, आपको कनेक्शन हमेशा सिक्योर करने हैं, ठीक है।
ताकि हमारा मॉसफेट डैमेज ना हो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से। देखिए फ्रेंड, कनेक्शन पावर सिक्योर हो चुके हैं और बस मुझे इसको इसमें प्लग इन करना है। मैं आपके सामने से प्लग इन करता हूँ, मैं इसे सामने रखता हूँ। देखिए ये भी बैटरी है, ठीक है। देखिए मैंने इसके अंदर प्लग इन कर दिया और फिर मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। देखिए फ्रेंड, इसमें पावर की लाइट ग्लो कर रही है, मतलब फ्रेंड हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। फ्रेंड देखिए, ये हमारा जो काम कर रहा है, ये हमारा लिथियम आयरन फॉसफेट बैटरी के ऊपर काम कर रहा है। और मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ फिर इन्वर्टर के, कि आउटपुट हमें कितने वोल्टेज दे रहा है इसी के, ताकि आपको ऐसा लगे वीडियो फेक है। तो मैं आपके ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए मल्टीमीटर भी यहाँ पर ही है और मैं बस इसको एसी पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 600 वोल्ट, मैंने इसको एसी पे कर दिया, एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, 600 वोल्ट एसी पे फिलहाल मल्टीमीटर है और मैं इसका यहाँ रख रहा हूँ, और मैं आपको इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ कितने हैं। ये देखिए गाइस, 231 वोल्ट हमें एसी के मिल रहे हैं हमारे पावर इन्वर्टर से, जो 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 कि हमारा 150 वाट कंटिन्यूस लोड और हमारा 200 वाट पीक लोड लेता है। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड 200, थोड़ा फ्रेंड ये ढीला हो चुका है इसीलिए। देखिए गाइस, 230 वोल्ट्स फ्रेंड, ये लूज है मेरा मल्टीमीटर का प्रोब, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, 230 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं हमारे। और फ्रेंड मैं आपको इसके ऊपर लोड चला के बताता हूँ, ताकि आपको लगे कि भाई ये हमारा सेम है, काम कर सके इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर एक लोड कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर हमारा लोड बोर्ड कनेक्ट कर दिया है, जिसके ऊपर 3 होल्डर प्लेस है। और फ्रेंड हम इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इन्वर्टर हमारा ऑन ही है, पावर ऑन है। देखिए अभी ऑफ है और अभी ऑन है, ठीक है, इन्वर्टर ऑन है। मैं इसके अंदर इसका प्लग डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया। और फ्रेंड ये सीधा हमारा प्लग जो है, ये हमारा इसमें गया है। और फिलहाल मैं अभी इन्वर्टर ऑफ करता हूँ। और देखिए फ्रेंड, मेरे पास अभी 100 वाट का बल्ब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक 100 वाट का बल्ब है, मैं आपको एक बार क्लोज दिखा देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कैमरा में जूम नहीं हो पा रहा है। देखिए फ्रेंड, 100 वाट का हमारा ये बल्ब है, ठीक है। तो मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे फ्रेंड इन्वर्टर ऑन करूँगा ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, फुल ब्राइट हमारे बल्ब ग्लो कर रहा है। और फ्रेंड हमारा पूरा सेटअप चल रहा है 12 एम्पीयर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और 200 वाट पावर इन्वर्टर, जो कि 150 वाट पीक लोड लेता है, उस पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा टोटली वर्क कर रहा है। तो जिन जिनके मन में डाउट था कि क्या हमारा पावर इन्वर्टर लिथियम बैटरी पे काम कर सकता है, बिल्कुल फ्रेंड लिथियम आयन फॉस्फेट आपके सामने और बिल्कुल इजीली काम कर रहा है। फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं फटाफट आपको इसको लिथियम आयन जो हमारे बैटरी होती है 18 पास, उस पर भी आपको टेस्ट करके बताया, ठीक है। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बस फ्रेंड, सिंपली मैं इसको साइड में रखता हूँ। और फ्रेंड ये रही मेरी लिथियम आयन बैटरी, जो कि मैंने आपको पिछले बताया था। देखिए फ्रेंड, लिथियम आयन बैटरी 15 एम्पीयर की। फ्रेंड इस पर मैंने एक्सटेंशन कनेक्टर लगाया, ताकि हमें जल्दी ईजी हो करने के लिए। देखिए फ्रेंड, मैं बस वही कनेक्टर इसमें लगा रहा हूँ, मैंने इसमें प्लेस कर दिया, इसमें लग गया। देखिए फ्रेंड, ठीक है। और अभी इन्वर्टर को ऑफ, इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। देखिए गाइस, इन्वर्टर ऑन हो गया और फिर हमारा बल्ब जल रहा है। देखिए फ्रेंड, 18600 बैटरी पे हमारा चल रहा है, जो कि हमारा लिथियम आयन बैटरी है, उस पर चल रहा है। देखिए तो गाइस, मतलब आपका फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इसलिए मैंने बंद किया है। तो मतलब फ्रेंड, आपका पावर इन्वर्टर, आपकी लेड एसिड बैटरी, आपकी लिथियम आयरन फॉसफेट बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, फ्रेंड आपकी कोई भी बैटरी हो, बस वो 12 वोल्ट की होनी चाहिए। फ्रेंड उस पर काम करता है, इजीली काम करता है। मतलब आपके पास अगर जो भी बैटरी हो फ्रेंड, आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हो और बिल्कुल इजीली आपका सारा लोड चला सकते हो। और फ्रेंड वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इन्वर्टर कैसे चलता है। बिल्कुल फ्रेंड, जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे, उन सब के लिए आंसर है कि बिल्कुल जो भी आपकी बैटरी हो, लिथियम फॉस्फेट हो, लिथियम आयन हो, चाहे कितने भी एम्पियर की हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एम्पियर, चाहे 4 एम्पियर की स्टार्टिंग से हो या फिर आपकी 220 एम्पियर तक ट्यूबलर बैटरी हो, फ्लैट बैटरी हो, जो भी बैटरी हो, फ्रेंड सब पे काम करता है। बस बैकअप डिफरेंट होगा, लेकिन ये काम सब पर ही करता है। आया फिर वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर आपको जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके, प्लीज़ आप मुझे बताओ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।